In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Hi student, this is Salim Gil. आज का हमारा टॉपिक जो है वो एडवर्ब्स के एरर के बारे में है कि एडवर्ब्स के जो एरर्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टू से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू के बारे में बात करेंगे कि अगर अकेला टू आए तो सेंटेंसेस में वो कैसे इस्तेमाल होता है। तो फिकरात में टू का इस्तेमाल अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए करते हैं। फिकरात में अकेले टू का इस्तेमाल अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए करते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही इज टू। अब देखिए हमारे पास वर्ड टू आ गया और टू अनप्लेजेंट एडजेक्टिव को शो करता है। ये देखिए हमारे पास गुड और बैड। गुड हमारे पास एक प्लेजेंट एडजेक्टिव है जबकि हमारे पास बैड एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। सो हम यहां ही इज टू बैड, वो बहुत ही बुरा है। इसी तरह से ही इज टू टू आ गया तो इसके साथ प्लेजेंट एडजेक्टिव नहीं आएगा बल्कि अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आएगा और डेट इज डर्टी, शी इज टू डर्टी। इसी तरह से रानी इज टू डल। यानी जब हमारे पास अकेले टू का इस्तेमाल होता है तो टू नेगेटिव मीनिंग देता है और मोस्टली इसे अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अकेले टू का भी इस्तेमाल होता है जब ये बी के मीनिंग देता है और जब ये बी के मीनिंग दे तो सेंटेंस के लास्ट पर आता है। जस्ट लाइक ही इज ब्रेव एंड वाइज टू, शी इज डल एंड कवर्ड टू। इसी तरह से दे आर बैड एंड लेजी टू। टू जब बी सेंटेंस के लास्ट पे आता है तो ये बी के मीनिंग देता है, जैसे वो बहादुर और दानिशमंद है, वो सुस्त और बुजदिल भी है, वो बुरा और सुस्त भी। इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टी डबल ओ टू और टू। फिकरात में डबल टू एंड टी ओ टू एक ही फिकरा में इस्तेमाल होता है और ये जैद के फार्मूला के तहत इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही इज टू वीक सो वा। अब देखिए हमारा जो फार्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू एडजेक्टिव और फिर टू ना के सो, तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, शी इज सो वीक टू फाइट। जबकि हमारा जो फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और यहां सो नहीं बल्कि टी डबल ओ है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, शी इज टू वीक टू फाइट। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, जब सेंटेंस में एक टू आता है तो लाजम है इससे पहले टी डबल ओ वाला आएगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड सेंटेंस में है, कोमल इज टू पुअर। अब ए टी डबल ओ टी डबल ओ वाला टू आ गया तो डेफिनेटली इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टू आएगा वो टी ओ टू होगा ना के सो होगा। इसके बाद हम टू मैनी के एरर देखेंगे कि टू मैनी
किस तरह से डिस्टर्ब करता है। कीप इन माइंड टू मेनी का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। काउंटेबल नाउन, देर आर टू मेनी चिल्ड्रन हियर। यहां हमारे पास टू मच भी है, लेकिन टू मच का जो इस्तेमाल है हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। टू मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, जबकि टू मेनी का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले होता है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, देर आर डैश चेयर्स इन दिस रूम। अगर हम चेयर पे गौर करें तो चेयर हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके लिए हम टू मेनी का वर्ड यूज करते हैं, टू मेनी का वर्ड यूज करते हैं। देर आर टू मेनी चेयर्स इन दिस रूम। यस, मच टू एंड टू मच का इस्तेमाल देखेंगे कि मच टू और टू मच एडवर्ब्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। मच टू, इसके फौरी बाद एडजेक्टिव आता है, जबकि टू मच के बाद नॉन आता है और नॉन भी अनकाउंटेबल नॉन की शक्ल में आएगा। हमारे पास पहला सेंटेंस है, स्मोकिंग इज डैश बैड फॉर हेल्थ। अब हमारे पास यहां जो बैड है डेट इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव भी अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, और हम जानते हैं कि अनप्लेजेंट एडजेक्टिव से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा इसके लिए मच टू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। स्मोकिंग इज मच टू बैड फॉर हेल्थ। दूसरा सेंटेंस इस तरह से है, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फॉर मी। अब फिर डिफिकल्ट अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आ गया। जब अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आ जाए तो हमें कंफर्म है इससे पहले टू आएगा, अगर टू आएगा तो मच टू वाला आएगा। दिस क्वेश्चन इज मच टू डिफिकल्ट फॉर मी। अब इसके बाद थर्ड सेंटेंस हमारे पास है, देयर इज डैश वाटर हियर। अब देखिए वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आ गया, और जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो इससे पहले हम टू मच का इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले हम टू मच का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा, देयर इज टू मच वाटर हियर। यहां बहुत ज्यादा पानी है, यानी टू का जब इस्तेमाल होता है तो अनप्लेजेंट सिचुएशंस के लिए होता है। शी हैज इटन, अब हमारे पास टिल फूड आ गया और ये अनकाउंटेबल नाउन आ गया, और हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम टू मच का इस्तेमाल करते हैं। कीप इन माइंड कि टू मच और मच टू ये अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी यहां बहुत ज्यादा पानी है और इसी तरह उसने बहुत ज्यादा खा लिया है, यानी खाने से डिस्टर्ब होने के बाद की बात करते हैं। अब बात देखें हमारे पास थर्ड इस्तेमाल है, एनफ। एनफ, इसके लिए हमें वर्ड याद रखना होगा इन। इन में हम पहले टू स्पेल लेंगे, एडजेक्टिव प्लस एनफ, अगर आप इन का वर्ड याद कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, ए ई एडजेक्टिव प्लस एनफ और ई एम, ई एम एनफ प्लस नॉन। अगर आप इन का वर्ड यूज कर लेते हैं तो आपका ये वाला प्रॉब्लम हल हो जाता है। अब हमारा पहला रूल है एडजेक्टिव प्लस एनफ, यानी हम एडजेक्टिव लगाएंगे उसके बाद एनफ आएगा। हमारा पहला सेंटेंस देखें, आई एम एनफ टू वोट, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि वोट डाल सकता हूं।
अब हमारा जो रूल है, देखने में सेंटेंस ठीक लगता है लेकिन जो हमारा रूल है इसमें एडजेक्टिव पहले आता है और एनएफ बाद में आएगा। ओल्ड हमारे पास एडजेक्टिव है, लहाजा इसे कहने ना कहने और एनएफ बाद में, तो ये सेंटेंस हमारा अनक्रैक हो जाएगा और क्रैक हमारा सेंटेंस होगा आई एम ओल्ड एनएफ टू गोल्ड। सेकेंड सेंटेंस शी इज एनएफ काइंड टू मी, काइंड हमारे पास एडजेक्टिव तो एनएफ इसके बाद आना चाहिए था, लहाजा ये सेंटेंस गलत और दुरुस्त तरह से इस तरह से होगा शी इज काइंड एनएफ टू मी। अब हमारा थर्ड सेंटेंस देखते हैं ही हैज वेल्थ एनएफ, जबकि हमारा रूल है कि नाउन जो है उससे पहले एनएफ आता है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन पहले है और वेल्थ एनएफ बाद में है, लिहाजा ये गलत हो जाएगा, हम एनएफ पहले लेके आएंगे और वेल्थ बाद में लिखेंगे जो कि हमारा नाउन है ही हैज एनएफ वेल्थ, ही हैज एन वेल्थ। हमारा फोर्थ सेंटेंस देखिए दे हैव फूड एनएफ, अब इस सेंटेंस में भी देखिए हमारा नाउन पहले आ गया है जबकि एनएफ बाद में आया है, तो ये गलत फार्मूला बनता है। हमारा जो ओरिजिनल और करेक्ट फार्मूला वो ये है कि एनएफ पहले आएगा और नाउन बाद में आएगा, तो इसका करेक्ट इस तरह से बनेगा दे हैव एनएफ फूड। स्टूडेंट्स आज का इतना ही लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। सीमा नमस्कार।